हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स, द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर इकोनॉमिक्स बुक. एंड इन द लास्ट क्लास वी हैड स्टडीड टिल दिस स्लाइड विच टेल्स दैट व्हाई इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट विल गिव फ्यूचर रिटर्न्स, इट विल मेक द स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल बेटर, right? And finally it will help in the country's development. If people are healthy, if people are educated, so our population will be an asset for us, right? Something or the other work they will be doing, people will be doing some work, and hence ultimately they will be contributing to the country's development. In the next slide we are going to study about economic activities done by men and women. So people do various kinds of economic activities, like whatever they do for earning money to earn their livelihood. So these activities can be categorized into three sectors, and these sectors are primary sector, secondary sector and tertiary sector. We all have already studied about it in class 8th also. Try to recall it, if not don't worry, I have already given it here. So primary sector is the sector which deals with the extraction of natural resources. For example, farming ho gaya, jahan bahut low level ka kaam ho raha hai, matlab bilkul base level ka kaam ho raha hai. For example, farming, there people are using the natural resources, they are extracting the food crops or the, you know, food grains. So that is all natural. So where we utilize the natural resources, for example farming, mining, forestry, these activities are included in the primary sector. Then these raw materials, these products that we derive from natural resources, are finally sent to industries for manufacturing finished goods, right? So these industries are included in the secondary sector. जहाँ पे रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, दोज इंडस्ट्रीज, दोज यूनिट्स, दोज एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर, राइट? देन फाइनली वी हैव टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द सेक्टर विच डील्स विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, वेयर पीपल प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर्स, राइट? Transportation. So all these kinds of activities are included in the tertiary sector. Fine. So these are called economic activities. Sare, ye sare kaam jitne bhi hain, these are called economic activities. Fine. They add value to the national income. You very well know that jo bhi hum kamayenge, hamari per capita income jo hoti hai, wo एक तरीके से नेशनल इनकम में, नेशनल के किसी देश ने कितनी इनकम अर्न की है तो वो उसमें काउंट होता है. सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? यू शुड नो दैट फर्दर दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. ये इसके पार्ट नहीं है. द थिंग्स, द सेक्टर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, दीज आर नॉट पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, राइट? दीज आर द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एंड दिस इज हियर. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू पार्ट्स, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. सो मार्केट एक्टिविटीज़, जहाँ पे आप कोई काम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, राइट? यू आर डूइंग सम वर्क फॉर गेटिंग सम रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन मतलब होता है उसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं, राइट? यू आर बीइंग पेड फॉर इट. ऑल दोज एक्टिविटीज़ विल बी नोन एज मार्केटिंग एक्टिविटीज़ और मार्केट एक्टिविटीज़. आप, हो सकता है आपने, आपका बहुत बड़ा एक खेत है, आपने जो भी वहाँ से अनाज उगाया आप उसको जाके सेल कर रहे हैं, तो फाइनली यू आर डूइंग अ मार्केटिंग, मार्केट एक्टिविटी. बट अगर आपका छोटा सा एक फार्म है, वहाँ सिर्फ आप सिर्फ अपने खाने के लिए, अपने यूज़ के लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट अ मार्केट एक्टिविटी, दैट इज़ अ
non-market activity. So understand this basic difference. Non-market activities are those activities which are performed for self-consumption, right? And here these activities are performed for some remuneration. Aapko kuch vapas mein paise milenge uske liye, benefit milega. These activities provide some profit. These activities do not provide any profit. These include the production of goods and services which are sold in the market for money. These include production of goods and services which are consumed by people, the producer or his family, right? So it is very easy to understand also the difference between market activities and non-market activities. I hope you have got this point. Now let's move to the next slide. Okay, तो अभी हमने देखा कि men and women do some work, do some activities, do some economic activities. अगर वो कुछ कमाने के लिए काम कर रहे हैं तो उनकी activities को तीन sectors में divide किया जा सकता है. Now there is a division of labor between men and women. क्या एक जैसा काम करते हैं हमारे society में men और women दोनों? अब तो कहीं कहीं पे this gap has been filled up. लेकिन अगर आप पुराने थोड़े कुछ साल पहले का टाइम देखें, सो वीमेन वर कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस. उनके लिए सिर्फ घर का काम ही उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई थी कि वो घर में ही काम करेंगी, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अर्न मनी फॉर द फैमिली विल बी गिवन टू द मेन. ऐसा था, इवन अभी भी ऐसा है. मोस्टली अगर आप रूरल एरियाज़ में जाएँ, यू विल फाइंड men will migrate to other places for earning money, whereas women stay at home and they look after the domestic chores, works, right? So, and at some places, kahin kahin pe agar women kaam karti bhi hain, to there is a vast difference between the payment of women and men. Kabhi kabhi aisa hota hai ki labor sector jo hamara hai, mostly kyunki literacy bahut kam hai, literacy rate bahut kam hai India mein. अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो विमेन और मेन और विमेन दोनों का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है. विमेन लिटरेसी रेट काफ़ी कम होता है मेन के कंपैरिजन में. इन इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट, स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट सम स्टेट्स लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश. सो दीज डिफरेंसेज आर कैन बी ऑब्जर्व्ड. Women are less educated and they often work in the unorganized sector with no job security. तो और women को अगर काम भी मिलता है तो कई बार ऐसी जगह पर मिलता है जहाँ पर उनकी कोई job security नहीं होती है. They do domestic work. कभी कभी गाँव की जो औरतें हैं या फिर जो uneducated गाँव से शहरों में आके रह रही हैं अपनी family के साथ, तो mostly आपने देखा होगा दूसरों के घरों में जाके domestic works करना, घर के काम करना, बर्तन वगैरह जो भी करने वाली मेड्स आती हैं. तो ये एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, राइट? इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि जॉब करने वाली अगर इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही हैं तो देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर पीएफ, उनका पीएफ होगा, आफ्टर रिटायरमेंट दे विल बी गेटिंग द पेंशन, राइट? तो वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है. और ये जो घरेलू काम है जहाँ पे इलिटरेट पीपल, जैसे अभी आप कोरोना में देख रहे होंगे, सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट इज़ देयर, माइग्रेंट पीपल. तो ये माइग्रेंट पीपल कौन है? जिनकी लिटरेसी रेट बहुत ही कम है और उनका जो स्किल है वो भी बहुत कम है, राइट? दे आर नॉट वेरी गुड एट देयर स्किल्स, या जो भी वो काम करते हैं वो बहुत स्किल्ड नहीं है उसमें, राइट? जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इनको फिर से डिप्लॉय करने में, फिर से एम्प्लॉयमेंट देने के लिए. तो यही होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. दीज माइग्रेंट वर्कर्स आर मोस्टली वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जहाँ पे उनकी जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है. कोरोना की वजह से उनके जॉब चली गई और फाइनली उनको वापस से अपने होम टाउन जाना पड़ रहा है, राइट? सो देयर, और इसमें भी विमेन आर द सफरर्स. विमेन जो हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं क्योंकि उनका जो है उनका तो बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं होता है जहाँ पर वो काम कर रही होती हैं. स्पेशली मैं बात कर रही हूँ माइग्रेंट वर्कर्स की अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में. तो कैसे हम इस लेबर को एक यूजफुल पॉपुलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो वॉट वी हैव टू डू, एक्चुअली हियर द गवर्नमेंट्स पर्पस इज़ फॉरमोस्ट. इसमें यहाँ पे गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा एंड गवर्नमेंट विल बी
will have to take some steps to, you know, enhance the population of India, enhance the population of the country, ताकि वो कुछ productive बन सकें, वो कुछ अपने काम से देश की national income में contribute कर सकें. So let's read in the further slides. So quality of population कैसे बढ़ेगी? जब लोग पढ़े लिखे होंगे, it depends on the literacy rate. जब लोग healthy होंगे, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल्स भी उनके अच्छे होने चाहिए. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग अच्छे होंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे, राइट. उनका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो थोड़ा ज़्यादा होगा. ऐसा नहीं है कि यंग एज में ही बीमारी के कारण लोग मर जा रहे हैं. दे आर लिविंग लाइफ फुल ऑफ पॉवर्टी. सो एजुकेशन एंड हेल्थ, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट जो है अपनी पॉपुलेशन को एक प्रोडक्टिव असेट बना सकती है. असेट का मतलब होता है एक हमारी जो पूंजी है जिसको हम यूज़ कर सकें, वो हमारा असेट होता है, राइट. लोग पढ़े लिखे होंगे तो उससे ग्रोथ रेट भी कंट्रोल रहेगा. लिटरेसी एंड हेल्दी पीपल आर एन असेट, द सेम थिंग दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. ओके, सो हियर वी हैव स्टडीड दैट व्हाट आर द वेरियस activities done by men and women, how can you classify these economic activities into two parts, market activities and non-market activities. Division of labor, maine bataya there is a vast difference between the labor sector, men and women. Men are mostly paid less as compared to men, women are paid less as compared to men, mostly in the unorganized sector. Then quality of population, quality of population बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब हमारा जो हम सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं इन द वर्ल्ड, राइट, आफ्टर चाइना, और कुछ सालों में शायद हम चाइना को भी सरपास कर जाएं. तो हमें बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया जाए, ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन किया जाए. और वो कैसे फॉर्म किया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, लिटरेसी रेट को बढ़ाकर, हेल्थ को बढ़ाकर, और उसके बाद लोगों के स्किल्स और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बेटर कर, राइट. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड्स और इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर द एनहांसमेंट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एंड हाउ इट इज़ डन, दैट वी विल बी डिस्कसिंग. ओके, सो इन दिस वीडियो दिस मच ओनली. बाय ऑल ऑफ यू, कीप लर्निंग.